चीन से तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा, दोनों फ्रंट पर युद्ध लड़ने को तैयार है, बिल्कुल भारत। भदौरिया ने कहा, कहीं पर भी भारत से आगे नहीं हो पाएगा चीन। हाथरस मामले में जारी है सियासी हंगामा। यूपी के हाथरस से लेकर राजस्थान के 12 तक बवाल। यूपी सरकार ने दंगे फैलाने की साजिश का किया दावा। वेबसाइट के जरिए लोगों को भड़काने की कही बात। निशाने पर है पीएफआई जैसे संगठन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला। ज्ञात आतंकियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 2 जवान शहीद, 5 घायल। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ब्याज पर ब्याज माफी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नए सिरे से हलफनामा दाखिल करने के लिए दिया एक हफ्ते का समय। कहा, केंद्र ने अपनी नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों को की जानकारी नहीं दी। अगले सुनवाई 13 अक्टूबर को। और देश में पिछले 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। इस दौरान 76,000 मरीज कोरोना से ठीक हुए, 903 मरीजों की जान गई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 66,00,000 के पार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। और आज देश की बात में बात बिहार की करेंगे, जहाँ पर सियासी समीकरण बिठाने की जुगत में तमाम पार्टियाँ लगी हुई हैं। चिराग पासवान किस तरह से आग बबूला है नीतीश कुमार से, ये तो आप देख ही चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त बीजेपी के साथ अपना समीकरण बिठाकर जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर लड़ने का खेल कर चुके हैं। और अब उम्मीदवारों का जो नाम है उसकी घोषणा शुरू हो चुकी है। और बहुत जल्द हम आपको बिहार चुनावों से जुड़े हुए तमाम अहम मसलों को दिखाते रहेंगे, उन मुद्दों को दिखाएंगे जिस पर बिहार चुनाव होगा। अब हालांकि आम तौर पर जब भी चुनावों का मौसम आता है तो ये कहा जाता है कि आखिर मुद्दा क्या है। और मुद्दा अभी तक जो पिछले 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें प्रधानमंत्री मोदी का जो एक सशक्त नायक की छवि रही है उसी पर मुद्दा घूम फिर कर आ जाता था। लेकिन बिहार की स्थिति अलग है। बिहार में सुशासन बाबू भी हैं और सशक्त मोदी भी हैं, और इन दोनों की छवि के आधार पर पिछले चुनाव लड़े गए थे। लेकिन इस बार मामला कुछ बदला हुआ है और इसीलिए बिहार में तमाम मुद्दे उठे, तमाम तरीके से चुनाव को आगे पीछे करने की और चुनाव को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश तमाम दल कर रहे हैं। इसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ दिख रहा है आपको। बिहार एक ऐसा ऐतिहासिक राज्य रहा है जहां पर सियासत ने अपना ककहरा पढ़ा है, जिसको कहा जाए ककहरा सियासत ने शायद बिहार से सीखा है। उसी बिहार में जब चुनाव है तो इस बार की सियासत किस तरह की होगी हम आपको दिखाएंगे। किस दल का मुख्य जो ताकत है वो क्या है, कौन सा दल कमज़ोर हो सकता है, ये सब कुछ भी हम आपके सामने रखेंगे। जब बात सियासत की हो रही है तो दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में ऐसे मामलों पर भी सियासत होती है जो सीधे तौर पर इंसानियत को शर्मसार करती हैं। बलात्कार को लेकर राजनीति जिस तरह से तेज हुई है उसको देखते हुए हाथरस के पूरे मामले को अब एक नया मोड़ मिल गया है। हाथरस की पीड़िता के गांव में सियासी मेला लगना जारी है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को दोपहर में मृत दलित लड़की के परिवार के लोगों से मिलने पहुंचा। इसके अलावा तमाम अन्य दल भी वहां पर जा रहे हैं, मिल रहे हैं। संजय सिंह पर काली स्याही भी फेंकी गई। हम आपको दिखाएंगे कि घटना एक हुई, घटने के कई सारे आयाम हमारे सामने हैं। कोई कह रहा है ये झूठ है, कोई कह रहा है सच है, लेकिन इस घटना की सच्चाई के साथ साथ सियासत की ये जो निचाई है वो भी आपके सामने होगा। इन तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको 12 से लेकर हाथरस तक जो मामला
बढ़ रहा है और बीजेपी ने जिस तरह से राजस्थान के बारा में गैंगरेप के खिलाफ मोर्चा खोला है, ये भी आपके सामने रखेंगे। अब देखिए, ये भी एक नई तरह का चलन है कि यदि किसी राज्य में जो बीजेपी शासित है वहाँ पर कोई दुर्घटना होती है तो बजाय इसके कि उस घटना को हल किया जाए, मेरी कमीज़ तुम्हारी कमीज़ से कम गंदी है, इसको साबित करने की कोशिश चलने लगती है। और इसीलिए बीजेपी ने राजस्थान के गहलोत सरकार पर निशाना साधा है और हाथरस का जवाब बारां से देने की कोशिश चल रही है। लेकिन इस हमाम में तमाम दल नंगे हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, जो महिलाओं के हक देने की बात करते हैं। आखिर ये दल वाकई कितना सजग है महिलाओं के प्रति, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। और हाथरस के पूरे मामले में कैसे नए मोड़ आते जा रहे हैं ये भी आपके सामने होगा। सबसे नया खुलासा ये है कि हाथरस के मामले के तहत जातीय हिंसा को फैलाने की कोशिश चल रही है और इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर पुलिस ने यह दावा किया है। और रातों रात एक वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस बनाई गई, इसके जरिए मुख्यमंत्री योगी के गलत बयान प्रसारित किए गए ताकि माहौल बिगड़े। आखिर हाथरस की सच्चाई क्या है, पहले भी हमने आपको दिखाई है, एक बार फिर से आपके सामने वो तमाम सबूत रखेंगे जिसमें आपको ये भी दिखेगा कि एक तरफ ज़्यादती की कहानी है, दूसरी तरफ गंदी सियासत की भी एक ख़ास भूमिका इसमें है। तो आपके सामने ये सारी खबरें तो होंगी ही। और जब बिहार की बात चल रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में सब कुछ अलग हो रहा है, इस बार कुछ ज़्यादा ही। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में निर्णय ले लिया गया है कि बिहार में एलजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि विधानसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। चिराग पासवान ने कह दिया है कि मोदी तो प्यारे हैं पर नीतीश से प्यार वो नहीं कर सकते। क्या समझा जाए कि वो पार्टी जिसका मुखिया रामविलास पासवान शायद भारत के सियासत में अकेले ऐसे नेता हैं जो हमेशा हमेशा सरकार में रहे, हमेशा मंत्री रहे, सरकार किसी की भी बनी हो मंत्री पद उनके पास ज़रूर रहा। तो क्या समझा जाए कि वो पार्टी और उस दल का मुखिया जो कि सियासी मौसम विज्ञानी कहा जाता था, उसका उत्तराधिकारी सियासत के मौसम विज्ञान को समझ पाया है या नहीं, या कहीं ज़्यादा महत्वाकांक्षा में जो है उसे भी तो खो नहीं देगा। ये पूरी रिपोर्ट तफसील से हम आपके सामने रखेंगे। इन तमाम खबरों के साथ साथ एक बड़ी खबर आई है सेना की ओर से, जिसमें सेना खासकर वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चीन हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, हम हर मोड़ पर, हर सीमा पर, हर तरीके से तैनात हैं। और इस बार यदि चीन ने कोई भी कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आखिर सेना प्रमुख को ये बात क्यों कहनी पड़ी है और किस तरह की तैयारी की बात सेना प्रमुख कह रहे हैं, हम ये भी दिखाएंगे आपको। और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि चीन इसके बदले क्या कुछ कह सकता है। गौरतलब है कि चीन ने कहा था कि यदि स्थितियां बिगड़ती हैं तो अटल टनल को वो ध्वस्त कर देगा। चीन इस तरह की तैयारी में है। अटल टनल का उद्घाटन अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, मनाली जाकर खूबसूरत फोटो खिंचवाकर उन्होंने सबके सामने ये टनल रखा, देश को समर्पित किया ये टनल। इस टनल की खासियत भी आपको बताएंगे और इसके सामरिक महत्व को भी आज देखेंगे और इसके संदर्भ में वायुसेना प्रमुख के इस बयान को भी समझने की कोशिश करेंगे। तमाम खबरें तो होंगी ही, अदालत की भी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी और अदालत की खबरों में हम आपको दिखाएंगे कि आज क्या कुछ हो रहा था और ख़ासकर लोन मॉरेटोरियम पर अदालत ने क्या कहा है, ये भी होगा। और एक मामला ऐसा अपराध से जुड़ा हुआ जो एक ऐसे व्यक्ति के सपने को तोड़ रहा है जो अभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा था, तेजस्वी यादव। लालू यादव की तमाम कोशिशों के बाद जो विपक्ष है तथाकथित रूप से वो तेजस्वी यादव का सानिध्य मानने को तो तैयार हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का जो उनका सपना है वो किस तरह से टूट सकता है एक कानूनी पेंच के हिसाब से, हम आपके सामने ये भी खबर रखेंगे। इसके अलावा आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को समझेंगे और साथ ही एक ऐसे सितारे को भी याद करेंगे जो जिसके संगीत के धुनों में
भारतीय अस्मिता की जान बसती रही है और एक ऐसा संगीतकार जिसकी जोड़ी ने न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशों में भी बॉलीवुड संगीत को एक नई पराकाष्ठा दिलाई। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ देश की बात में इस खास सफर के साथ। सबसे पहले खबर हाथरस की लेते हैं। हाथरस की पीड़िता के गांव में सियासी मेला लगना जारी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को दोपहर में मृत दलित लड़की के परिवार वालों से मिला। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पर वापसी के समय काली स्याही फेंकी गई और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग कर इनको मौके से निकाला। वहीं राजस्थान के बारा में गैंग रेप के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है। बीजेपी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के नाम पर सियासत जारी है। हाथरस में सियासी दलों का मेला सोमवार को भी लगना जारी रहा। हाथरस कांड को लेकर विपक्षी पार्टियां योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने में लगी हैं। समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, भीम आर्मी, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के नेता और प्रतिनिधि मंडल हाथरस के बुलघड़ी गांव में पीड़िता के घर पहुंचकर अपनी अपनी संवेदना जताने का रस्म निभा चुके हैं। अब बारी आम आदमी पार्टी की थी। हाथरस कांड को लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। संजय सिंह ने मुलाकात के बाद कहा कि परिवार वाले डरे हुए हैं, पूरा गांव ही छावनी बना दिया गया है। साथ ही उन्होंने योगी सरकार और सीबीआई जांच को लेकर भी सवाल उठाए। संजय सिंह जब परिवार से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले तो उन पर स्याही फेंकी गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उधर हाथरस कांड के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी माहौल गर्मा गया है। विपक्षी दल हाथरस में सियासी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो राजस्थान के बारा में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर बीजेपी जयपुर के सड़कों पर उतर आई। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सतीश पुनिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और जयपुर पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बन गई। बीजेपी की एक टीम ने बारा पहुंचकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात भी की। दरअसल राजस्थान के बारा में दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बारा शहर की दो नाबालिग बहनें 19 सितंबर को घर से गायब हो गई थीं, जिन्हें 22 सितंबर को कोटा से बरामद किया गया। दोनों बहनों ने उनके साथ गैंग रेप का आरोप लगाया है। आरोप है कि पुलिस को जब मामला बताया गया तो पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस पर इस मामले को लेकर ढिलाई बरतने का आरोप भी लगा है। अब जबकि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात हुई है तो सभी दल अपनी अपनी सियासी नफा नुकसान का आकलन कर पीड़िता को इंसाफ की सियासत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप और मौत की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे भड़काने की साजिश का खुलासा वहां की पुलिस ने किया है। खुफिया विभाग से मिले तथाकथित इनपुट के आधार पर पुलिस का दावा है कि घटना के बाद रातों रात एक वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस बनाई गई और इसके जरिए मुख्यमंत्री योगी के गलत बयान प्रसारित किए गए ताकि माहौल बिगड़े। रविवार रात पुलिस ने वेबसाइट और इससे जुड़े स्थानों पर छापेमारी की। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में केस भी दर्ज कराया गया। इसमें प्रदेश में जाति और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने, अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के जरिए अशांति फैलाने की साजिश रचने जैसे आरोप लगाए गए। क्या हाथरस के बहाने यूपी में दंगा कराने की साजिश रची जा रही है? क्या हाथरस कांड की आड़ में जाति का जहर घोलने की कोशिश हो रही है? अगर पुलिस की खुफिया रिपोर्ट पर भरोसा करें तो यूपी में हाथरस के बहाने असामाजिक तत्वों का बड़ा गेम प्लान था। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि कई वेबसाइट सरकार के निशाने पर हैं जो बड़ी साजिश में शामिल है। दरअसल जस्टिस फॉर हाथरस जैसे सोशल मीडिया हैंडल पर कई आपत्तिजनक सामग्री आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी तहकीकात की, जिसमें पता चला कि एनटीसीए के तर्ज पर हाथरस मामले को फैलाने की तैयारी हो रही थी। रविवार देर रात पुलिस ने वेबसाइट और इससे जुड़े लोकेशन पर छापेमारी की और लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में केस भी दर्ज कराया। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा
इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। यूपी सरकार के मुताबिक जांच एजेंसियों के शिकंजे कसते ही रातों रात ये वेबसाइट बंद हो गई। रात में छापेमारी होते ही और सुरक्षा एजेंसियों के सक्रिय होते ही वेबसाइट तो बंद हो गई, लेकिन एजेंसियों के पास वेबसाइट के सारे कंटेंट मौजूद हैं। सरकार का दावा है कि पीएफआई जैसे संगठन अफवाह फैलाने में शामिल हो सकते हैं। यूपी सरकार के मुताबिक प्रदेश में यूपी में जातीय दंगों की साजिश कराकर दुनिया में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने के लिए जस्टिस फॉर हाथरस नाम से रातों रात वेबसाइट गई। वेबसाइट में फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोग जोड़े गए। यूपी सरकार का दावा है कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में वेबसाइट पर और देश प्रदेश में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका भी बताया गया। मदद के बहाने दंगों के लिए फंडिंग की जा रही थी। फंडिंग की बदौलत अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग के सुराग भी मिले हैं। जांच एजेंसियों के हाथ वेबसाइट की डिटेल्स और पुख्ता जानकारी लगी है। यूपी सरकार के मुताबिक वेबसाइट में चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन की आड़ में निशाना बनाने की रणनीति बताई गई। बहुसंख्यकों में फूट डालने और प्रदेश में नफरत का बीज बोने के लिए तरह तरह की तरकीबें बताई गई। वेबसाइट पर बेहद आपत्तिजनक कंटेंट मिले। यूपी सरकार का दावा है कि हाथरस की घटना को तूल देकर देश भर में आपसी नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज, फोटोशॉप्ड तस्वीरें, अफवाहें और एडिट विजुअल्स का दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट। गौरतलब है कि हाथरस मामले में जिस तरह से मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई है और हाल फिलहाल में जितनी तरह के बड़े मामले आए हैं, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला हुआ हो या फिर किसानों के कृषि बिल का मामला हुआ है, जिस तरह की रिपोर्टिंग आपने देखी है उन तमाम रिपोर्टिंग से यह अफसोस होता है कहते हुए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया की रिपोर्टिंग पर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। गौरतलब है कि हाथरस मामले में शुरुआती दौर की जो रिपोर्टिंग्स आई थी, जिस तरह की खबर आई थी, जिस तरह के वीडियोज़ आए थे, जिस तरह से जो पीड़िता थी उसके भाई ने एक लिखित हस्तलिखित तहरीर पुलिस को दी थी, वो सारा मामला अलग था। लेकिन जैसे जैसे इसमें सियासी दिलचस्पी बढ़ती गई, वैसे वैसे मामला भी बदलता गया, मामले का रंग भी बदलता गया, मामले का रुख भी बदलता गया। और इसके बाद अभी ये स्थिति है कि हाथरस एक तरह से हर एक चुनावी दल के लिए एक ऐसी जगह हो गया है जहां जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी सियासत की रोटी को वहां खूब सेका जा सकता है। गौरतलब है कि ये वो जगह भी है जहां पर न जाने कितनी बार लड़कियों की ऑनर किलिंग हुई है, न जाने कितनी बार लड़कियों पर ज़्यादती हुई है, न जाने कितनी बार तमाम वर्ग के भेद की वजह से खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ा है। लेकिन सियासत अपने हिसाब से चलती है, सियासत का रंग अपना होता है, सियासत का रूप अपना होता है, और ऐसे में मीडिया उन तमाम मामलों को उठाने की कोशिश करती है जो उसे टीआरपी दे सके। टीआरपी के इस खेल में उलझे बिना आप सही खबर पर ज़रूर नज़र रखें, और आज की तारीख में आपके हाथ में भी ताकत है, जो गलत दिखा रहा हो उसे गलत कहें, जो सही दिखा रहा हो उसकी सराहना करें। अब हम गलत और सही से आगे बढ़ते हैं, और सियासत एक ऐसी जगह होती है जहां गलत को सही, सही को गलत कहना पड़ता है, और यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में हर दिन चुनावी मौसम बदल रहा है, सही गलत हो रहा है, गलत सही हो रहा है, और जो भी दल कोई निर्णय ले रहा है वो ये समझ रहा है कि आने वाले भविष्य में उसके लिए सब कुछ सही ही होगा, ठीक ठाक ही होगा, लेकिन वाकई क्या ऐसा होगा हम देखेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको ये बता दें कि एनडीए में काफ़ी दिनों से बढ़ती दरार आखिरकार खाई में बदल ही गई। लोजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में निर्णय ले लिया गया कि बिहार में एलजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, यानी विधानसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। हालांकि एलजेपी बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और चुनाव बाद बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने को तैयार है। लेकिन एलजेपी को मोदी तो पसंद हैं, नीतीश कुमार से एलर्जी है। एलजेपी के इस दांव के बाद सभी दलों का चुनावी समीकरण बिगड़ा हुआ सा दिख रहा है, और एलजेपी का क्या होगा ये भी अपने आप में एक संशय का विषय हो गया है। देखिए रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने रविवार को एनडीए से अलग चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की। एलजेपी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद एनडीए का सियासी गणित बिगड़ गया है। एलजेपी की बदली रणनीति के बाद बीजेपी और जेडीयू अपनी रणनीति बदलने में जुट गए हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर नई सिरे से विचार कर रही है। बदले हुए जातीय समीकरणों के अनुसार उम्मीदवार तय होंगे। एलजेपी के अलग लड़ने के ऐलान के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई थी। कल हुई बैठक में बिहार में लड़ने वाले सभी सीटों पर चर्चा हुई। उधर एलजेपी के 143 सीटों पर चुनाव लड़ने और जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवारों को खड़ा करने की घोषणा से जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं में खलबली मच गई है। पार्टी को अब घटनाक्रम के परिणामों और इसके मुकाबले को लेकर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ गया है। जेडीयू को डर है कि एलजेपी उसे 20 से 25 सीटों पर प्रभावित कर सकती है। एलजेपी से नुकसान के डर के बीच 16 जिलों में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए उनकी लिस्ट जारी कर दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार ने सूरजगढ़ा से रमानंद, अगियाओं से प्रभुराम, करगहर से वशिष्ठ सिंह, जगदीशपुर से कुसुमलता कुशवाहा, जहाजा से दामोदर रावत, मुकामा से राजीव लोचन, बरबीघा से सुदर्शन को जेडीयू का सिंबल दिया है। जेडीयू ने अभी तक अपने 12 प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। उधर बिहार एनडीए में पड़ी दरार के बीच महागठबंधन के हौसले बुलंद हैं। नीतीश को मुख्यमंत्री के गद्दी से उतारने को बेताब, तेजस्वी यादव ने भी आज पहले चरण के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। नोखा से अनीता देवी, चकाई से सावित्री देवी, जमुई से विजय प्रकाश यादव, जहानाबाद से सुदय यादव, रामगढ़ से आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, शाहपुर से शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी और शेखपुरा से विजय सम्राट को टिकट दिया गया है। जेडीयू और आरजेडी ने आज जिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है उसमें एलजेपी को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई गई है। अब देखना है कि चिराग पासवान के जेडीयू के खिलाफ बगावत किसे कितना फायदा और किसे कितना नुकसान पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तब सीधे लिए चलते हैं बिहार की ओर। और यूं तो बिहार की धरती हमेशा से राजनीति के नए दांव पेंच की प्रयोगशाला बनती आई है, लेकिन इस बार रंग कुछ बदला सा है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और जिस तरह की नज़दीक होता जा रहा है चुनाव, ऐसे में वहां पर तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। खासकर कोरोना काल में हो रहे चुनाव में पहली बार गठबंधन के अंदर गठबंधन की राजनीति देखने को मिल रही है। महागठबंधन की बात हो या एनडीए की, दोनों ही गठबंधनों में सहयोगी दलों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ सी लगी हुई है। जानकारों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में असल लड़ाई बीजेपी बनाम नीतीश कुमार की है। सालों तक बिहार में छोटा भाई बनी रही बीजेपी अब बड़ा भाई बनने की छटपटाहट में है, लेकिन वो सीधे तौर पर नीतीश से टक्कर नहीं लेना चाहती क्योंकि बिहार में मोदी का जादू नहीं चलता। अभी तक लोग नीतीश के ही पक्ष धर रहे हैं। अब जबकि एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है तो जाहिर है कि जेडीयू को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि मांझी बहुत हद तक इस नुकसान को भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन एलजेपी का अपना वोट बैंक है। विशेष तौर पर देखा जाए तो दलितों के बीच एलजेपी की जो पकड़ है उसे तोड़ने में जेडीयू को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और ऐसे में बीजेपी इस सियासी खेल में अपना फ़ायदा देख रही है। सवाल है कि क्या इस मुकाबले में चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी मोहरा के रूप में इस्तेमाल हो रही है, या फिर रामविलास पासवान, जिनकी ये अभी तक भूमिका रही है कि अपनी पार्टी को और खुद को हमेशा सत्ता में बनाए रखे हैं, उनकी जो चाणक्य नीति थी वो क्या इस बार काम नहीं आएगी। गौरतलब है कि रामविलास पासवान इन दिनों बीमार चल रहे हैं, आईसीयू में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में एनडीए में रहते हुए ही जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
हालांकि बीजेपी के प्रत्याशियों को एलजेपी का समर्थन रहेगा। ऐसे में इस बार एनडीए और गठबंधन के बीच ही मुकाबला नहीं होगा, बल्कि एनडीए के अंदर भी महामुकाबला होगा, जिसमें बीजेपी को क्या हासिल होगा, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। देखिए, नाराजगी मेरी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बट हाँ, मेरी चिंता मेरे प्रदेश को लेकर हमेशा से रही है। और ये आज से ही नहीं, मैं निरंतर इस बात को मैं कहता रहा हूँ कि बिहार में जिस तरीके से विकास के कार्य होने चाहिए, ये सिस्टम दशकों से वैसा का वैसा ही है। उम्मीद बहुत थी हमारे आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जी से, मेरी खुद की बहुत उनसे उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, पर 2005 से लेकर 2020 तक का अगर आप उनका कार्यकाल देखें तो मुझे नहीं लगता कि जितनी उम्मीदें मुझे एक बिहारी होने के नाते या बिहार की जनता को थी, उन उम्मीदों पर वो खरा उतर पाए हैं। एनडीए के नेताओं के एक वर्ग का कहना है कि नीतीश कुमार को महीनों तक निशाने पर बनाए रखने का चिराग पासवान का कदम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के मौन समर्थन के बिना संभव नहीं था। जेडीयू के खिलाफ एलजेपी के लड़ने से बिहार की आधी से ज्यादा सीटों पर एनडीए में उलझने होंगी, जिससे वोट का बंटवारा होने की संभावना भी है। इससे महागठबंधन के हौसले बुलंद हो गए हैं और एनडीए के दरार में अपना चुनावी फायदा होता नजर आ रहा है। एलजेपी और जेडीयू दोनों ये कहते आ रहे थे कि उनका गठबंधन बीजेपी से है। बीजेपी ने प्रत्यक्ष रूप से यही कोशिश की कि एलजेपी एनडीए में बने रहे, लेकिन बात नहीं बन सकी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि बिहार में एनडीए में जो कुछ हो रहा है वो चुनाव के लिए नहीं, बल्कि चुनाव के बाद की सियासी पटकथा लिखी जा रही है। एलजेपी के अलग से चुनाव लड़ने से निश्चित तौर पर जेडीयू को नुकसान होगा, जबकि बीजेपी को चुनाव में सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं होगा। एलजेपी के पास दलितों के एक तबके का अच्छा खासा वोट है जो जेडीयू के खिलाफ वोट कर सकता है। हो सकता है कि चुनाव में जेडीयू की स्थिति कमजोर हो जाए। वहीं बीजेपी बिहार में मजबूत बनकर उभरेगी तो चुनाव के बाद नीतीश कुमार ज्यादा बार्गेनिंग की पोजीशन में नहीं होंगे। बिहार में दलित समुदाय की आबादी तो करीब 17% है, लेकिन दुसाध जाति का वोट करीब 5% है, जो एलजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में एलजेपी के एनडीए से अलग होने से जेडीयू को चुनाव में करीब 5% वोट का नुकसान सीधे तौर पर उठाना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी की सीटों पर एलजेपी और जेडीयू दोनों का सहयोग रहेगा, जिससे निजी तौर पर बीजेपी को ही फायदा मिल सकता है। ऐसे में इस बार का चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है और अब देखना है कि जेडीयू के खिलाफ एलजेपी मैदान में उतरकर क्या सियासी गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे आरजेडी के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। इसकी वजह सियासी नहीं बल्कि कानूनी है। तेजस्वी यादव पर षड्यंत्र के तहत हत्या कराने का आरोप लग गया है। पूर्णिया में रविवार को हुए आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के पूर्व बागी सचिव शक्ति मलिक के हत्या के मामले में परिवार के बयान पर तेजस्वी यादव समेत 6 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब एक महीने से भी कम का वक्त बचा है और इससे ठीक पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हत्या के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्णिया में रविवार को आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के पूर्व बागी सचिव शक्ति मलिक के हत्या मामले में परिवार के बयान पर तेजस्वी यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, साधु पासवान, अररिया के आरजेडी नेता कालू पासवान समेत 9 लोगों पर षड्यंत्र के तहत हत्या कराने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया गया है। शक्ति जी का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा है कि 50 लाख रुपया अभी दो, टिकट मिलने के बाद 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। तुम जानते नहीं, हम लालू यादव का बेटा, तुमको देख लेंगे, और उसकी हत्या हो जाती है। ये देखिए, तेजस्वी यादव जी न दलित के लोग हितैषी है, न सवर्ण का हितैषी है, न पिछड़ा का हितैषी। उसकी वाइफ नेम्ड FIR 6 लोगों पर किया है, जिसमें तेजस्वी यादव जी हैं, उनके भ्राता श्री तेज प्रताप जी है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मामले में तब बड़ा खुलासा हुआ था जब शक्ति मलिक की ओर से पहले जारी वीडियो में तेजस्वी यादव पर जान से मारने की धमकी का खुलासा किया गया था। 29 सितंबर को जारी वीडियो में शक्ति ने कहा था कि तेजस्वी यादव ने जान से मारने की धमकी दी थी। शक्ति मलिक का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो खुद की राजनीतिक हत्या होने की आशंका जता रही हैं।
इस 18 सेकंड के वीडियो में वो सीधे कहते हैं कि कालू पासवान उसे मारना चाहते हैं, अगर उसे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार कालू पासवान होंगे। वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि उसकी कभी भी राजनीतिक हत्या हो सकती है। शक्ति मलिक का एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आया है जो नानीगंज अररिया के आरजेडी नेता कालू पासवान से बातचीत का है। इस रिकॉर्डिंग में शक्ति कालू पासवान कह रहे हैं कि वो खुद भी अपना काम करें और उसे भी अपना काम करने दें, बार बार मारने की बात न करें। उधर दूसरी तरफ आवाज आ रही है कि तुम जहां मिलोगे कुछ भी हो सकता है। इस ऑडियो में जान से मारने का जिक्र भी है। वीडियो क्लिप और ऑडियो क्लिप में बार बार राजनीतिक हत्या की आशंका जताई गई थी। और इस बीच आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के पूर्व बागी सचिव शक्ति मलिक की हत्या हो गई। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार के मुश्किल चुनाव से पहले खुद मुश्किल में पड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और वायुसेना चीफ ने देश के दुश्मनों के खिलाफ हुंकार भरी है। पिछले 6 महीने से लद्दाख में चीन की मक्कारी और LOC पर पाक की नापाक हरकत के बाद वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत सीमा पर दोनों फ्रंट पर युद्ध के लिए तैयार है। यानी चीन और पाकिस्तान की ओर से जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उस पर भारत हर तरीके से मुस्तैद है। भारत की तैयारियों पर नज़र डालती हुई एक खास रिपोर्ट। पिछले 6 महीने से LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और भारत दुश्मन के किसी भी चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच अब वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है। वायुसेना चीफ ने कहा है कि भारत उत्तर भारत में दोनों फ्रंट पर युद्ध के लिए तैयार है। यानी चीन और पाकिस्तान की ओर से जो तनाव की स्थिति बन रही है उस पर भारत हर तरीके से मुस्तैद है। हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है एंड उसमें टू फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। हमारी हमेशा ये फोकस रहता है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे एंड हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है टू फ्रंट वॉर के लिए भी। वायुसेना चीफ ने कहा है कि राफेल के आने से वायुसेना की ताकत बढ़ी है और इससे हम जल्द और ठोस कार्रवाई कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में तेजस, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ट्रेनर एयरक्राफ्ट समेत कई अन्य ताकतवर हथियार वायुसेना की ताकत बनेंगे। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि चीन की हरकत के बारे में मई में ही पता लग गया था, तभी से ही भारतीय सेना और वायुसेना की ओर से एक्शन लिया गया। ईस्टर्न फ्रंट पर वायुसेना पूरी तरह से मुस्तैद है और ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता कि चीन हमसे किसी भी तरह से बेहतर स्थिति में हो। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ वायुसेना ने बहुत तेजी से बदलाव किए हैं और अब काफी हद तक कमियों को दूर कर लिया गया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमने सीमा से जुड़े हर अहम हिस्से पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। लद्दाख उसका सिर्फ एक हिस्सा है। ऐसे में देश को भरोसा रखना चाहिए कि उनकी सेना पूरी तरह से तैयार है। भारत और चीन के बीच मई के बाद से ही सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। सेना के साथ साथ वायुसेना ने भी लेह लद्दाख के इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। वायुसेना लगातार जरूरी सामान ले जाने में मदद कर रही है। इसके अलावा कई लड़ाकू विमान लद्दाख के आसमान में पैनी निगाहें बनाए हुए हैं। अब वायुसेना चीफ का बयान बताने के लिए काफी है कि हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि पंपोर के कांथीजल ब्रिज पर CRPF की 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे कि तभी अज्ञात आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 घायल हैं। इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 27 सितंबर को पुलवामा ज़िले के अवंतीपोरा के संबूरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों के पास से 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था। इसके बाद ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ के दौरान 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया था। 12:45 में जब हमारे CRPF के जवान आरोपी ड्यूटी पे थे तो एक बाइक में 2 आतंकवादी आए, बाइक लगा के अंधाधुंध फायरिंग की AK-47 से और हमारे लोगों ने रिटेलिएट किए। उसमें काफ़ी क्रॉस फायरिंग हुआ और उसमें क्रॉस फायर में हमारे और जवान 2 जख्मी हो गए CRPF के और भागने में कामयाब हो गया। लेकिन चूँकि आइडेंटिफाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं हम लोग और जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे।
उधर कर्नाटक में कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार सीबीआई के रडार पर हैं। आरोप आय से ज्यादा संपत्ति का है। सोमवार सुबह सीबीआई ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और उनके सांसद भाई डीके सुरेश के घर समेत कई जगहों पर छापा मारा। अब इस छापेमारी से कर्नाटक की सियासत गरमा रही है। कांग्रेस इससे बदले की राजनीति करा दे रही है। कर्नाटक में कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार खुद संकट में घिर गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने डीके शिवकुमार के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। उनके भाई डीके सुरेश के घर पर भी सीबीआई की छापेमारी हुई है। इस दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो ने डीके शिवकुमार और उनके भाई सांसद डीके सुरेश के परिसर में 50 लाख रुपए की नकद जब्त की है। सीबीआई के कम से कम 60 अधिकारियों ने 15 स्थानों पर छापे मारे हैं। सीबीआई ने सुबह 6 बजे कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र के डोडल्ला हल्ली गांव में स्थित उनके निवास पर छापेमारी शुरू की, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य विधानसभा में शिवकुमार करते हैं। जिन आवासों पर छापे मारे जा रहे हैं उनमें से एक शिवकुमार के करीबी इकबाल हुसैन का भी है। सीबीआई ने कर्नाटक सरकार के तत्कालीन मंत्री और अन्य लोगों के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति के अधिग्रहण के आरोप में मामला दर्ज किया है। आज 15 स्थानों पर छापेमारी हुई है। कर्नाटक में 9, दिल्ली में 4, मुंबई में एक जगह पर छापेमारी की गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी येदियुरप्पा की जोड़ी का अपनी कठपुतली सीबीआई के द्वारा डराने धमकाने का काम नहीं चलेगा। सीबीआई को इस वक्त येदियुरप्पा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करनी चाहिए। मोदी सरकार के इन हथकंडों के आगे कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं झुकेंगे। ऐसे एक्शन से हम और मजबूत होंगे। इसके पहले पिछले साल ईडी ने डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 3 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था। वो न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे। पिछले साल अक्टूबर में शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया था। अब एक बार फिर से सीबीआई के छापे ने शिवकुमार को मुश्किल में डाला है, तो सरकार पर सियासी दुश्मनी निकालने के लिए बदले की कार्रवाई के आरोप पर कर्नाटक की सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि ब्याज पर ब्याज माफी को लेकर केंद्र द्वारा दाखिल किया गया हलफनामा संतोषजनक नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से नए सिरे से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। पहले दाखिल किए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज माफ करने को कहा था। इसका बोझ खुद केंद्र सरकार उठाएगी, जो अनुमानित तौर पर 5,000 से 7,000 करोड़ रुपये होगा। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को 2 करोड़ तक के ऋण पर मॉरेटोरियम की अवधि के ब्याज पर ब्याज को माफ करने के मुद्दे पर अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के हलफनामे में 7 सितंबर की कामत कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार विशेष क्षेत्र के उपाय के संबंध में कुछ भी नहीं है और केंद्र ने अपनी नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी नहीं दी है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विभिन्न याचिकाओं में उठाए गए कई मुद्दों के साथ हलफनामा न्यायिक नहीं है। पीठ में अन्य 2 जज न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह शामिल हैं। रियल स्टेट बॉडी क्रेडाई की तरफ से बात रखने वाले कपिल सिब्बल ने कहा, सरकार के हलफनामे में बहुत से तथ्य और आंकड़े निराधार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए ताकि वह इस बारे में विस्तृत जानकारी दे सकें। वही आर्यमा सुंदरम ने कहा कि रियल स्टेट सेक्टर को सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई है। इस सेक्टर को लोन रिस्ट्रक्चरिंग की भी सुविधा नहीं दी गई है। 1 सितंबर 2020 से पूरा ब्याज देना पड़ रहा है। इससे पहले शनिवार को सरकार ने कहा था कि वह 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 6 माह की अवधि यानी कि मार्च से अगस्त तक के लिए ब्याज पर ब्याज को माफ कर सकती है। हालांकि सरकार ने साथ ये भी कहा कि इससे कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला जैसी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर असर पड़ेगा। सरकार ने साथ ही ये स्पष्ट किया कि वह सभी श्रेणियों के लोन पर ब्याज को माफ नहीं कर सकती, क्योंकि इससे बैंकों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। सरकार ने बताया था कि वो छोटे कारोबार, शिक्षा, हाउसिंग और क्रेडिट कार्ड समेत कुछ लोन्स के लिए मॉरेटोरियम की अवधि के दौरान
लगने वाले ब्याज पर ब्याज को माफ करेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से उत्पन्न अभूतपूर्व परिस्थिति में सरकार के पास एकमात्र विकल्प यह है कि वह ब्याज पर ब्याज माफी के भार को वहन करे और कर्जदारों को राहत प्रदान करे। सरकार इस फैसले पर संसद की मंजूरी लेगी। आरबीआई ने कोविड 19 महामारी की वजह से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए 1 मार्च से 31 मई की अवधि के लिए सभी तरह के टर्म लोन की ईएमआई के भुगतान पर मोहलत दी थी। इसके बाद 22 मई को केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर टर्म लोन की ईएमआई के भुगतान के लिए दी गई मोहलत को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कंगना रनौत के कार्यालय को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट को सूचित किया गया है कि सभी संबंधित पक्षों ने अपना लिखित जवाब तैयार कर दिया है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई खत्म करके आदेश को सुरक्षित रख लिया। कंगना रनौत ने 9 सितंबर को अदालत में बीएमसी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। बीएमसी ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए उनके पाली हिल स्थित कार्यालय को तोड़ दिया था। अदालत ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया था। कंगना ने इस मामले में नगर पालिका से 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। वहीं बीएमसी का कहना है कि क्षतिपूर्ति के लिए कंगना का दावा आधारहीन और फर्जी है। देश भर में कोरोना का कहर इस वक्त भी जारी है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये रफ्तार इतनी भी कम नहीं है कि इसे उपलब्धि मान लिया जाए। देश में पिछले 24 घंटों की यदि हम बात करें तो 74,442 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 76,737 से ज़्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 903 मरीजों की जान चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 66,23,000 हो गई है और 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में भारत पिछले 2 महीने से शिखर पर बना हुआ है। 4 अगस्त को पहली बार भारत में दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए थे। तब से लेकर 5 अक्टूबर तक भारत नंबर 1 पर बरकरार है। कोरोना संक्रमण अब भी दुनिया में सबसे तेजी से भारत में ही फैल रहा है। अच्छी बात ये है कि नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 74,442 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए, जबकि 76,737 मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं। हालांकि 903 मरीजों की जान भी चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 66,23,000 हो गई है। इनमें से 102,685 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 9,34,000 हो गई है और कुल 55,86,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केसेस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 6 गुना ज्यादा है। ICMR के मुताबिक 4 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के कुल 7,99,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 10,00,000 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई है। पॉजिटिविटी रेट करीब 7% है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसेस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.55% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केसेस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 14% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने वाले लोगों की दर 84% पर है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र लगातार कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाला राज्य बना हुआ है। यहां अब तक 14,00,000 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केसेस के मामले में दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे प्रभावित देश है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। 5 अक्टूबर 1989 को सुप्रीम कोर्ट को पहली महिला जज मिली थी। मीरा साहिब बीवी ने इस पद को तब संभाला था। आज के दिन यानी 5 अक्टूबर 1989 को तिब्बत के 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो को मानवाधिकारों के क्षेत्र में
कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 5 अक्टूबर 1947 को अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने टीवी के जरिए लोगों को भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि यूरोप दूसरे विश्व युद्ध के दुष्परिणामों का सामना कर रहा है और इस वजह से अनाज का इस्तेमाल कम किया करें। उन्होंने लोगों से मंगलवार को मांस नहीं खाने, गुरुवार को अंडे और पोल्ट्री से परहेज करने और रोज एक स्लाइस ब्रेड कम खाने की अपील की थी। और आज मशहूर संगीतकार शंकर सिंह रघुवंशी यानी जय किशन के जोड़ीदार शंकर का जन्मदिन है। शंकर का जन्म 5 अक्टूबर 1922 को पंजाब में हुआ था। बचपन से ही शंकर संगीतकार बनना चाहते थे और उनकी रुचि तबला बजाने में थी, लेकिन शंकर का नाम और काम दोनों जय किशन के बिना अधूरा सा था। फिल्म बरसात की कामयाबी के बाद शंकर जय किशन बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राज कपूर का साथ ऐसे मिला कि शंकर जय किशन और राज कपूर और मुकेश की चौकड़ी ने पूरे बॉलीवुड पर राज किया। राज कपूर के चहेते संगीतकार और जोड़ी के सदाबहार संगीत के कारण राज कपूर की ज़्यादातर फिल्में आज भी याद की जाती हैं। शंकर जय किशन ने अपने 3 दशक से अधिक लंबे सिने करियर में लगभग 200 फिल्मों को संगीतबद्ध किया जो आज भी हमारे दिलों में हमारी जबान पर ताज़ा हैं।